हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज का जो डिस्कशन है हमारा, वो डिस्कशन बेसिकली लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे रहने वाला है। हम लोग कहीं ना कहीं साइंस में या फिजिक्स पढ़ रहे हो या केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो हमें वहाँ पे कहीं ना कहीं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का नियम दिख ही जाता है। तो ये नियम क्या है, क्यों दिख जाता है, इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से एकदम ईजी वे में डिस्कस करेंगे। आपका जो कंसेप्ट है कि लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, कहाँ पे एनर्जी कंजर्व हो रहा है, क्या चीज़ है, ये सारे चीज़ आपके क्लियर हो जाएंगे। आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, आपको फोकस बनाए रखना है। ये कंसेप्ट लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का पूरा बिल्कुल अच्छी तरीके से आपका क्लियर हो जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस बिगिन नाउ। लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आप लोगों ने ये बुक में भी देखा होगा कि लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब होता है एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड एंड ऑल दैट, राइट। तो ये बात सही है, एनर्जी को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो, एनर्जी को आप क्रिएट नहीं कर सकते हो। इसलिए एनर्जी कैसा है, जितना भी एनर्जी यूनिवर्स में अवेलेबल है वो एनर्जी कैसा है, कांस्टेंट है ना। अब ये जो बात बता रहा है ये स्टेटमेंट, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, एनर्जी इज नेवर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म और वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। इसका मतलब क्या है, ये क्या बोलना चाहता है हम लोगों को, कैसे एनर्जी को कंजर्व करना चाहता है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक अच्छा सा एग्जाम्पल सेट करेंगे। ओके, वो एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ये हमारे पास एक ग्राउंड सरफेस है, क्लियर। हमारे पास क्या है, ये ग्राउंड सरफेस है। ओके फाइन, अब यहाँ पे जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट को रखोगे, कोई एक ऑब्जेक्ट रख लेते हैं हम, मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को रख लेता हूँ। जैसे ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पे हमने उसे रख दिया है ग्राउंड के सरफेस, ठीक है। ओके, अब हम लोग इस सिस्टम के एनर्जी के बारे में बात करते हैं। बेसिकली हमारे नेचर में जो इम्पॉर्टेंट टाइप की एनर्जी एग्जिस्ट करती है, होती है पोटेंशियल एनर्जी, जो कि एक रुके हुए ऑब्जेक्ट के पास होता है, और एक होता है काइनेटिक एनर्जी, जो कि एक चलते हुए ऑब्जेक्ट के पास रहता है। और जब आप काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को मिला देते हो, जब आप काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को मिला देते हो, तो आपको मिलता है टोटल एनर्जी। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जिसके बारे में बात करता है कि जो कंजर्व रहता है वो होता है टोटल एनर्जी, एंड नॉट काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी कंजर्व रहता है उसके बारे में बात करता है। ये एनर्जी अलग अलग हो सकता है लेकिन टोटल एनर्जी कंजर्व होता है। कैसे होता है, देखो अभी ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने यहाँ पे रखा है। अब हम इस ऑब्जेक्ट को अगर देखेंगे तो ये रेस्ट पे है। अब हम यहाँ पे दोनों फार्मूला लिख लेंगे। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आप लोगों ने सीखा हुआ है, MgH होता है, और काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो होता है हाफ mv स्क्वायर, राइट। ओके, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा आप देख सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करता है हाइट पे, m और g तो कांस्टेंट होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8, मास कांस्टेंट, यानी पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड किसके ऊपर करेगा, हाइट के ऊपर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। यहाँ पे अगर आप देखोगे हाइट तो जीरो है, अर्थ की सरफेस पे रखा है। अगर हाइट जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी अल्टीमेटली जीरो इंटू जी इंटू एम कितना हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पे आपका पोटेंशियल एनर्जी है जीरो, राइट। अब काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। जब आप इसे ऊपर लेके जाओगे तो यहाँ पे आप इसको एक स्पीड दोगे, इसको आप एक स्पीड दोगे ना फोर्स ऊपर की तरफ, ये स्पीड सबसे ज्यादा रहेगा। बिकॉज आप एक लॉजिक भी लगा सकते हो, जब ये ऊपर जाने लगेगा तो इसका स्पीड कम होने लगेगा, यानी सबसे ज्यादा स्पीड इसका ग्राउंड पे ही होगा जब आप इसे स्टार्ट करोगे मूव करना, मोशन में लाना, है ना। उस टाइम पे इसका स्पीड जो है वो सबसे ज्यादा होगा, यानी कि वेलोसिटी सबसे ज्यादा। अगर आप देखोगे काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, बिकॉज मास तो कॉन्स्टेंट रहने वाला है, इसका मास चेंज नहीं होगा। यानी कि काइनेटिक एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करता है, इसी के ऊपर डिपेंड करता है, यही हीरो है वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है वेलोसिटी के ऊपर। और अब आपने देखा यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम है, इसके लिए काइनेटिक एनर्जी भी कितना होगा, मैक्सिमम। और लेट्स से हमने बोल दिया 5 है, हम लोग ने वैल्यू पुट किया हाफ मास की, जो भी वैल्यू थी पुट किया, वी स्क्वायर का वैल्यू पुट किया और हम लोगों को 5 आया। तो मैंने लिख दिया काइनेटिक एनर्जी 5 है। अब टोटल एनर्जी देख लेते हैं। टोटल एनर्जी आप लोगों को पता है क्या होता है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, 0 प्लस 5 कितना आ गया, 5 आ गया, वेरी गुड। अब
कुछ समय बाद। अब ये जो ऑब्जेक्ट है आपको पता है यहाँ पे आ जाएगा, सेम कलर लेते हैं, कुछ समय बाद ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, बराबर ठीक है। अब ये कुछ हाइट तय कर लिया, बराबर है ना। अब यहाँ से इसने कुछ हाइट तय कर लिया है, अगर इसने हाइट तय कर लिया तो पोटेंशियल एनर्जी इस पोजीशन पे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड ऑन हाइट। अब हाइट बढ़ गया है तो पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ जाएगा, बढ़ गया पोटेंशियल एनर्जी, एच बढ़ गया पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया। और मैंने यहाँ पे लिख दिया कि इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा सा बढ़ गया, पहले जीरो था अब बढ़ के थ्री हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, हाइट बढ़ा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी की बात कर लेते हैं इस पॉइंट पे। अब ये ऊपर जा रहा है आपको पता है इसका वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगा, यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम था अब वेलोसिटी तो कम हो गया। अगर वेलोसिटी कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी मास और हाफ पे नहीं डिपेंड कर रहा अभी फिलहाल, क्योंकि ये दोनों कॉन्स्टेंट है। यानी वेलोसिटी कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगा। अब यहाँ पे वेलोसिटी कम हो गया, ऊपर जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी कम हो गया, और अब ये काइनेटिक एनर्जी कम होके इसी हिसाब से सेट होगा टू, सो दैट पोटेंशियल एनर्जी अगर आप देखोगे, सॉरी नॉट पोटेंशियल बट टोटल एनर्जी अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा पोटेंशियल प्लस काइनेटिक 3+2 5, कितना 5। ओके ठीक है, समझ में आ रहा है हम लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं, अब हमने इसे और ऊपर लेके गए, ये राइट, और भी हमने दूरी तय किया, यहां से हम लोग ने इतना दूरी तय कर लिया। अब देखोगे आप ग्राउंड से इतना ज्यादा हाइट पे आ गया है, हाइट बढ़ गया, क्या बढ़ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा, यस। तो यहां पे आप पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया, पहले 3 था अभी कितना हो गया 5 हो गया। अब ये सबसे ज्यादा हाइट है, मान लो ये सबसे ज्यादा हाइट है, अब इसके ऊपर नहीं जा पाएगा, आपने गेंद फेंका तो हमेशा के लिए तो ऊपर नहीं जाएगा, एक पॉइंट आएगा जहां पे ये रुकेगा फिर नीचे आने लगेगा। तो ये मैक्सिमम हाइट आ गया, ठीक है। तो यहां पे आपको पता है मैक्सिमम हाइट आ गया तो वेलोसिटी कम होते होते जीरो हो जाएगा, सबसे ज्यादा वेलोसिटी कम हुआ अब जीरो हो गया, अब यहां से नीचे गिरने लगे। अगर वेलोसिटी जीरो हो गया तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ एम वी इंटू जीरो स्क्वायर, जीरो कितना हो गया जीरो। अब टोटल एनर्जी को देखो, 5+0 5। अब मैं यही आपको बताना चाहता हूं कि आप किधर भी देखो टोटल एनर्जी कोई भी पोजीशन पे, लोवेस्ट मिड पॉइंट हाईएस्ट, आपको हर बार 5 दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, इसी का तो मतलब है एनर्जी कंजर्व हो गया, एनर्जी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, टोटल एनर्जी हमेशा सिस्टम में कंजर्व होता है, कोई फर्क पड़ा क्या, 5 5 5, टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व, टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड। इसमें से अगर आप देखोगे ये जिससे बना हुआ है, पोटेंशियल काइनेटिक चेंज हुआ है, पोटेंशियल जीरो था 3 5 चेंज हुआ है, काइनेटिक चेंज हुआ है, लेकिन टोटल एनर्जी कोई फर्क नहीं पड़ा। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। स्टार्टिंग में 5 था, अभी भी 5 है, अभी नीचे आएगा तो भी 5 ही रहेगा। अब एक और चीज देखो, जो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो दिख रहा है वो चीज अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बन गया जीरो, और जो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी दिख रहा है वो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। मींस एनर्जी इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, बट टोटल एनर्जी नेवर चेंज, टोटल एनर्जी नेवर चेंज, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब आया मजा, दिस इज व्हाट कॉल्ड एज लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी इज नेवर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय बट इट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, इट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, बट टोटल एनर्जी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। टोटल एनर्जी जो भगवान ने बना के दिया है, यूनिवर्स ने बना के दिया है, ब्रह्मांड में जो टोटल यूनिवर्स एनर्जी पड़ा हुआ है उससे कोई भी खत्म नहीं कर सकता है, उसके अंदर कोई भी तिनका भर का एनर्जी भी ऐड नहीं कर सकता है। ये हमारे यूनिवर्स की पावर, एंड दिस इज व्हाट कॉल्ड एज लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आई होप बहुत अच्छे से कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका है, सारे कंसेप्ट अच्छी तरीके से, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो बार बार आपको कंफ्यूजन में डाल रहा था क्या है, बार बार आ जाता है, आई होप कि वो सारे कंफ्यूजन दूर हो गए। तो अगर वीडियो पसंद आया तो फटाफट लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब भी करना है, आप लोगों को दोस्तों को बताना है, हमारे चैनल से हमारे साथ सीखते रहो, हमारे साथ आगे बढ़ते रहो। हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग, थैंक यू वेरी मच।